नमस्कार किसान भाइयों, मैं सौरभ भारद्वाज कृषि फाई में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज हम आपको इफ्को कंपनी का जो जैविक लिक्विड जैविक एनपीके आता है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और पास वाले जो बेल आइकन है उसको भी दबाएँ, जिससे कि जो भी नया वीडियो पड़ेगा हमारे यूट्यूब पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो किसान भाई, आप देख सकते हैं ये इफ्को कंपनी का लिक्विड कंसर्टेडिया है, जिसे आप तरल कंसर्टेडिया भी कह सकते हैं। ये एनपीके का बैक्टीरिया है, जिसे आप बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, ये इसके अंदर क्या क्या होता है। एनपीके होता है, एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसमें तीनों के बैक्टीरिया पड़े हुए हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है किसान भाइयों, कि जो भी आपकी ज़मीन में DAP और पोटास पड़ी हुई है पहले से, उसको ये घुलनशील अवस्था में करके उसी को खेत में काम करने के लिए तैयार कर देता है, जिससे आपकी पैदावार की बढ़ावार होती है और आप जो रासायनिक खाद डालते हैं उसकी मात्रा भी आप कम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा खाद है किसान भाइयों इसका, लेकिन तरीका जो है प्रयोग करने का वो थोड़ा अलग है। जो आप रासायनिक का प्रयोग करते हैं उस तरीके से आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसको प्रयोग करने के लिए किसान भाइयों, आपको करना क्या होगा कि आधा लीटर 500 ml जो लिक्विड कंसंट्रेट है, इसको आप 50 से 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, जिसका प्रयोग आप फसल बोने से पहले खेत में बखेर सकते हैं। यह आपकी फसल बो चुकी है तो आप उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, बिखेर सकते हैं। या आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है तो आप बर्मी कंपोस्ट में इसका प्रयोग कर सकते हैं। वो भी नहीं मिलती आपको तो आप मिट्टी में इसको मिला सकते हैं। और उसके भी अलावा किसान भाइयों, आप इसका स्प्रे भी पंप में कर सकते हैं, लेकिन पंप में स्प्रे करने से पहले आप पंप को अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लें, जिसमें कोई भी रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग पहले ना हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया है वो रासायनिक के टच में आते ही मर जाते हैं। अगर आप इसका खेत में प्रयोग करते हैं तो ये ध्यान रखें कि इससे प्रयोग करने के बाद 7 दिन तक खेत में कोई भी रासायनिक या कीटनाशक का इस्तेमाल आप ना करें। और अगर आपने एक रासायनिक या कीटनाशक का इस्तेमाल कर दिया है तो उसके 5 दिन बाद इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। प्रयोग करने के लिए किसान भाइयों, आप इसको अगर कोई फसल बो रहे हैं, जैसे बीज बो रहे हैं, तो बीज में भी सीड ट्रीटमेंट के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट के लिए किसान भाइयों जो प्रयोग किया जाता है, वो आप इसको 25 ml तरल कंसंट्रेशन को आप 1 किलो बीज के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप किसान भाई धान के खेत में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो इसको आप सादा पानी में मिला लीजिए, उसके बाद 1 एकड़ के लिए 500 ml पानी भरा हुआ खेत हो तो उसमें वैसे ही बखेर सकते हैं, छिटके बीज से बखेर सकते हैं पानी को। उस तरीके से भी ये बहुत अच्छा काम करता है। धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक में बनाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।